हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऑफिशियल आंसर की जो है वो आपका आ गया है, आपने चेक भी कर लिया, उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना मार्क्स बता रहे थे। तो इसमें से कौन सा कट ऑफ आपका जा सकता है, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ जो हम बात करेंगे वो सिर्फ बीए ऑनर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपका बीएससी है, बीकॉम है, तो आपको एक काम करना है, बीएससी अपना कोर्स लिखना है। बीएससी और बीकॉम वाले के लिए मैं बता रहा हूँ, अपना कोर्स लिखना है और आपको मार्क्स कितना आया है ये कमेंट करना है, ठीक है। अगर आपका 20 से 25 कमेंट आ गया तो मैं कुछ देर बाद आपके लिए भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बीएससी एंड बीकॉम वाले का ये काम है, अपना कोर्स और मार्क्स जरूर लिखिएगा, कितना मार्क्स आपका आ रहा है ऑफिशियल आंसर की के बाद। चलिए, तो खैर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीए ऑनर्स के बारे में, पूरा समझाएंगे आपको जो है कैसे कितना कट ऑफ जाएगा, अब तक कितना क्या उम्मीद लगा है। ओके गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेहनत लगता है, एनालाइज़ करना पड़ता है कट ऑफ, किसी भी चीज़ के बारे में बताने पर पहले सोचना पड़ता है, बार बार बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, आपके सारे कमेंट्स पढ़ना होता है कि कितना मार्क्स एवरेज आ रहा है, कितना आ रहा है, स्टूडेंट कितने कमेंट्स कर रहे हैं और कितना क्या हो रहा है। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इनमें से कौन सा कट ऑफ जा सकता है, कितना जाएगा, हम बताएंगे आपको। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं। गाइज, मैं कट ऑफ बताने से पहले आपको एक जो है कट ऑफ बताने से पहले कुछ और दिखाना चाहता हूँ। एक वेबसाइट है एमयू टेस्ट इन्फो करके, और जिसका इंस्टाग्राम पे भी आप 40K प्लस सब्सक्राइबर्स सॉरी फॉलोवर्स देख सकते हैं, 40K फॉलोवर्स। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो ये तो कुछ गलत नहीं बताएगा। इसके द्वारा जो कट ऑफ बताया गया मैं वो आपको कुछ देर दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा, ठीक है। उसका ये कट ऑफ कितना हद तक क्या है नहीं है हम थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद हम आपको कितना कट ऑफ जाएगा वो हम लोग एक्सपेक्ट करके बताएंगे आपको, ठीक है। तो पहले वो देख लेते हैं क्या है। सो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये जो है ये वेबसाइट है इसका, ठीक है, ये वेबसाइट है। और इंस्टाग्राम पे भी पेज है एमयू टेस्ट इन्फो करके, आप में से काफ़ी सारे लोग जो है अवेयर होंगे इससे, ठीक है। यहाँ देखिए, इसने कट ऑफ बता रखा है बीए बीएससी बीकॉम का, ठीक है। और जब बीएससी और बीकॉम का कट ऑफ बताएंगे उसमें भी हम बताएंगे इस वीडियो में जो बनाएंगे उसके लिए कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ आप सिर्फ बीए का देखिए, इसने कहा है कि इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए जो है, ओके एक मिनट, तो बीए का सिर्फ आपको देखना है। इसने कहा है इंटरनल स्टूडेंट जो बीए ऑनर्स में, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, है ना, गर्ल्स में से हो या बॉयज़, तो उनका 25 से 30 कट ऑफ जाएगा, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज़ में 2-3 मार्क्स का फ़र्क होगा, उसने नहीं दिखाया, ये 25 से 30 इंटरनल के लिए बताया है। और बॉयज़ जो है एक्सटर्नल में है, बॉयज़ एंड गर्ल्स जो भी है एक्सटर्नल में, तो उनका 37 से लेकर 42 दिखाया है, ठीक है। अब कितना ये सच हो सकता है, तो सबसे पहले ये बात आप श्योर कर लीजिए कि इसने भी ये गारंटी नहीं दिया है कि यही कट ऑफ होगा। क्या कहा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है इसने, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये 40 से 50 हज़ार फॉलोवर्स लेके ऐसे कुछ भी थोड़ी कर देगा, ज़रूर जो भी बंदा है इसमें वो एनालाइज़ किया होगा, कमेंट्स देखा होगा, इसके अंडर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे, है ना, सबका मैसेज पढ़ा होगा, तब जाके ये कट ऑफ बताया होगा। लेकिन हम आपको क्या कट ऑफ बताएंगे वो हम इस वीडियो में आपको पता चलेगा अभी, है ना, ये कितना ये गारंटी है कि ये कट ऑफ जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे बच्चे का जो है इसके अंडर मार्क्स है, इसमें तो बहुत कम है लेकिन इसमें भी कुछ है, लेकिन इसके अंडर जो है बहुत सारे बच्चे हैं। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं, हम बताते हैं आपको अपने बारे में कि हमने क्या कट ऑफ डिसाइड किया है। और गाइस सब कुछ ध्यान रखिएगा, ये कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड होगा, है ना, एक्सपेक्टेड, क्योंकि ऑफिशियल कट ऑफ कब पता चलता है, जब रिजल्ट निकल जाता है और उसमें से मिनिमम जो लास्ट के बंदे होते हैं सेलेक्टेड लिस्ट में, वो अपना मार्क्स बताता है कि मेरा इतना था, मेरा रैंक इतना आया है, तब कट ऑफ पता चलता है। अभी जितने भी कट ऑफ आ रहे हैं, आपने जितना भी देखा, सब एक्सपेक्टेड है। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, हम आपको बताते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा। गाइज, मैं अब जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको 4-5 कट ऑफ बताया था, कट ऑफ में एक सीक्वेंस मैंने लिख दिया था, ठीक है। सबसे पहले लिखा था 30 से 35, ठीक है, उसे 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, यानी 55 तक मैंने लिखा था, 30 से स्टार्ट करके हमने 55 तक लिखा था, सॉरी एक मिनट, 30 से स्टार्ट करके हमने कितना लिखा था, 55, इतना हमने कट ऑफ लिखा था। अब इसमें से जाएगा कौन सा कट ऑफ, ये देखिए गाइज, जो एवरेज निकला है ना, जितना आपने कमेंट्स किया अब तक, काफ़ी सारे बच्चे ने कमेंट किया, और आपको तो मैं एक वेबसाइट का दिखाई दिया है ना, उसके अकॉर्डिंग तो बहुत कम है। और सबसे पहले उसके बारे में हम बता दे रहे हैं, उसका क्या लगता है कि जाएगा कट ऑफ,
जिसने वो कटअप बताया है वो तो सोच के ही बताया होगा कि नहीं इतना ही जाएगा, है ना, एक्सपेक्ट किया है मतलब इतना जाएगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा कुछ कम। तो ज़्यादा कम के लिए उसने 37 to 42 लिया है एक्सटर्नल के लिए, ठीक है, इंटरनल की बात नहीं कर रहा, इंटरनल आप देख ही लिए होंगे, 37 to 42 लिया है एक्सटर्नल के लिए, मतलब 37 भी जा सकता है मिनिमम, मैक्सिमम उसने लिया है 42, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात कर लें तो 42 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 42 से ज़्यादा नहीं जाएगा, उसने मैक्सिमम 42 लिया है, मिनिमम 37 लिया है, 42 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, समझ रहे हैं बात। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ गाइज, ये मुझे नहीं लगता कि इतना कम कट ऑफ जाएगा, क्योंकि 2029 में भी कट ऑफ गया है तो 40 रहा था कट ऑफ, 2000 सॉरी क्या मैं बोल गया, 2019 और 18 का जो कट ऑफ है 40, उससे कुछ कम कुछ ज़्यादा इसी के अराउंड, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं लेकिन 40 के अराउंड था कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ 40 के अराउंड। हाँ, अब देखिए कट ऑफ अगर 40 जा रहा तो यहाँ 35 मार्क्स वाले बच्चे का भी एडमिशन हो जाएगा, वो कैसे, अगर ऑफलाइन एडमिशन हो रहा है या ऑनलाइन जैसे भी, तो वेटिंग क्लियर हो जाएगा उतना, ठीक है, इतना बच्चा जो है 300-400 वेटिंग में आएगा और उसका किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए गाइस, फाइनल मैं जो कट ऑफ बताऊँगा आपको वो मैं एक नहीं कुछ लंबा देंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड है, आपको मैंने सब कुछ डिटेल में दिखा दिया, किसी प्लेटफॉर्म को बताया, किसी वेबसाइट का मैंने बताया, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ तो 45 आपका ये सेंटर पॉइंट होगा कट ऑफ का, समझ रहे गाइस, 45 जो है आपका सेंटर पॉइंट होगा कट ऑफ का, इसमें से 5 मार्क्स बढ़ा भी सकते हैं, 5 मार्क्स घटा भी सकते हैं, 5 मार्क्स बढ़ेगा लेकिन घटने की चांस बढ़ेगा, अगर बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा तो 5 मार्क्स ही बढ़ेगा, लेकिन कम जो होगा तो कम दो चांसेस हैं, एक तो 5 भी कम हो सकता है, 10 भी कम हो सकता है, समझ रहे हैं, 5 कम हुआ अगर इससे तो 40 कट ऑफ जाएगा, कितना 45 कम हुआ इससे तो 40 जाएगा, 10 कम हुआ तो 35 जाएगा, ओके गाइज, तो एग्जैक्ट जो कट ऑफ है वो 45 है लेकिन कम जाएगा इससे, ये उम्मीद है, ठीक है, ये उम्मीद है, आपको भी उम्मीद है, मुझे भी उम्मीद है, सबको उम्मीद है 45 से कम जाएगा, है ना, गौर कीजिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप लोग फिर बाद में कुछ भी बोलते हैं, मैंने बहुत कोशिश किया समझाने का आपको, समझ रहे हैं, 45 एग्जैक्ट कट ऑफ है और इससे कम जाने की उम्मीद है, कम जा सकता है, 5 भी कम जा सकता है, 10 भी कम जा सकता है, 5 कम गया तो 40 आपका कट ऑफ चला जाएगा, 10 कम गया तो 35 हो जाएगा कट ऑफ, ठीक है, अगर आप इसमें से 35 में से भी हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, एडमिशन के बहुत चांस है आपके, ठीक है। अब हमने तो कट ऑफ के बारे में बात कर लिया, अब मैं आपको समझाता हूँ कि एडमिशन होगा किसका किसका, कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही भी समझेंगे इस बात को। अगर आपने 40 मार्क्स आपका आ रहा है और 40 कट ऑफ भी गया मिनिमम आप ही, तो आपका लास्ट रैंक होगा सेलेक्टेड लिस्ट में, लेकिन यहाँ पे 30 to 40 मार्क्स वाले बच्चे का भी एडमिशन हो जाएगा, वो कैसे, वेटिंग में आके, वेटिंग में जो आएगा तो इनका 300 से 400 तक रैंक बनेगा, ठीक है, 400 तक रैंक बनेगा और ये लोग का एडमिशन सोशोलॉजी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, इस्लामिक स्टडीज़ हो, उसके बाद और भी जितने फिलॉसफी भी मिल जाता है किसी किसी को, बाकी वो सेलेक्टेड वाले लेते हैं ज़्यादातर, तो ये सारे सब्जेक्ट्स में आपका एडमिशन हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब अगर हम बात कर लें 45 की, तो 45 रहा तो 35 मार्क्स वाले जितने भी बच्चे होंगे उनका भी एडमिशन होगा, बट सब्जेक्ट की गारंटी नहीं है, 45 अगर कट ऑफ जा रहा तो 45 में 40 जिनका होगा उनका भी एडमिशन होगा, समझ रहे हैं, 45 में से अगर 40 भी रह रहा है तो उनका एडमिशन होगा, सब्जेक्ट की गारंटी नहीं है। ओवरऑल फाइनल डिस्कशन अगर हम आपके साथ कर रहे हैं तो कट ऑफ का जो बात मैंने बताया 42 45 लग रहा है गाइस, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज किया हूँ, शायद कंफ्यूज नहीं किया हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट समझाया हूँ, हर एक अलग अलग आस्पेक्ट देके, और मैंने स्टार्ट किया किसी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को लेके, है ना, ऐसे नहीं, अंदाज़े कुछ नहीं, ठीक है, 42 45 मिनिमम मैं 40 बता रहा हूँ, मैक्सिमम 45, समझ रहे हैं, इससे 45 से भी कुछ ज़्यादा जा सकता है, कम भी जा सकता है, 45 से कुछ ज़्यादा जाएगा तो 50 जाएगा, ये बहुत कम चांस है, लेकिन कम गया तो 40। अब यहाँ इसके 40 के बारे में बात करें, मैक्सिमम इसका 45, इसमें जाएगा तो 35, समझ रहे हैं, इतना बड़ा कट ऑफ का नेट है, समझ गए। अगर आप अब मार्क्स के बारे में अब आपकी बात चले, आप अगर 30 से लेकर 35 में हैं तो आप उम्मीद लगाए रख सकते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा, भले ही वेटिंग में, वेटिंग में तो आना ही है, 30 to 35 में है तो वेटिंग में ही आएगा, लेकिन एडमिशन हो जाएगा,
वेटिंग जिसका भी अगर ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है तो 500 से कम वेटिंग होगा तो उसका एडमिशन हो जाएगा, ऑफलाइन एडमिशन हो रहा है तो 500 से ज़्यादा भी क्लियर हो जाएगा 1000 तक, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन सारे बच्चे नहीं पहुँच पाते। अब बात कर लें 35 टू लेकर 40 अगर आपका मार्क्स है, 35 से लेकर 40 आपका मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन 90% कन्फर्म है कि आपका सिलेक्टेड लिस्ट में तो नहीं, वेटिंग में अगर आया तो एडमिशन 100% हो जाएगा। तो ओवरऑल 30 से लेकर 40 के अराउंड जितने भी बच्चे का मार्क्स है, चाहे वो एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, इंटरनल का तो दिक्कत नहीं, एक्सटर्नल भी है तो आप लोग का उम्मीद है कि हो जाएगा, नहीं है तो रिजल्ट के बाद तो आपको पता चल ही जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। ओके गाइज, तो यही था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और क्या क्वेरीज रह गया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।